हेलो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी आवाज को कैसे आकर्षक बनाएं, कैसे अपनी आवाज को अट्रैक्टिव बनाएं। देखिए, आवाज से फर्क पड़ता है। आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, या किसी शादी में जा रहे हो, या किसी पार्टी में जा रहे हो, या किसी सोशल गैदरिंग में आपको बोलना है, भाषण देना है, या कोई ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आपकी जो आवाज है ना, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे महान लोग होंगे जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी, लता जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी आवाज ऐसी है ना कि अगर आप इनके दो शब्द भी कहीं पर सुन लो तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये आवाज इनकी है। आपको अपनी आवाज को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ये हर किसी को सीखना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, उनका पता ही नहीं पड़ता कि वो बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उनके शब्द जो है ना वो क्लियर ही नहीं आते गले से। आवाज मानो जैसे गले में बैठ गई हो, या कभी बोलना होगा तो ऐसे चिल्ला करके बोलेंगे कि अगले बंदे के कान के पर्दे ही फट जाएंगे। जितनी क्लियर आपकी आवाज होगी, उतना ही बेहतर होगा आपके भावों को किसी और के दिल तक पहुंचाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे 5 टिप्स की बातें करूंगा जिनको अपना करके हर कोई अपनी आवाज को सुधार सकता है। टिप नंबर 1, हमेशा आधा घंटा बोल करके पढ़िए और बोलने से पहले अपने गले को खोलिए। गले को खोलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे खोलोगे? जब भी आप कहीं पर स्पीच देने जा रहे हो, जब भी आप कहीं पर बोलने जा रहे हो, तो पहले से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुझे दिन में 5 वीडियो रिकॉर्ड करने हो तो शुरुआती 2 वीडियोस मेरे इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होंगे जितना मेरा 3rd वाला वीडियो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 2 बार अगर मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज अपने आप खुल जाएगी। जब भी आप बोले तो आप इस तरह से बोलो कि किसी शब्द का आखिरी अक्षर क्लियर सुनाई देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है भारत, तो भारत आपका जो तय है उस पर आपका जोर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द पर जंप करते रहते हैं। नहीं, हर शब्द सुंदर है, हर शब्द की सुंदरता को पहचानिए। जिस भाषा में आपको बोलना है, जिस भाषा में आपको इंटरव्यू देना है या स्पीच देना है, उसी भाषा में पढ़िए। जिस भाषा में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसी भाषा में प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो बात करते हैं तो उनका पता पड़ जाता है कि वो कहाँ के हैं। वो यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, साउथ के हैं या बिहार के हैं। उनकी आवाज से क्लियर पता पड़ जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदी बोलने की या जिस भाषा में वो बोल रहे हैं उस भाषा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनकी जो डेली की लाइफ है उसमें वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और जब भी वो दूसरी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए हिंदी ही बोलते हैं, तो उनकी भाषा से, उनकी बोली से पता पड़ जाता है कि भाई ये बंदा वहां का है। तो आपको जिस भाषा में मास्टर बनना है उसको आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी आवाज को सही करना है तो आपके पास में उस भाषा में प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। टिप नंबर 2, अपने बोलने की टोन पर और इमोशन पर ध्यान दीजिए। फील करके बोलिए, रोबोट की तरह बोलना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब उनका कहीं पर बोलने का नंबर आता है तो वो रटी रटाई बात को एकदम रोबोट की तरह बोल देंगे। जैसे मान लीजिए मौसम बहुत अच्छा है, तो वो कैसे बोलेंगे, मौसम बहुत अच्छा है आज तो, क्या बात है यार, बारिश आने वाली है। अब इसी को थोड़ा सा फील करके बोलिए, यार क्या मौसम आज का, आज तो लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। जब आप फील करके बोलते हैं ना तो सुनने वाले को मजा आता है। अपने शब्दों में इमोशंस डालिए। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि हर शब्द सुंदर है, उस शब्द की सुंदरता को पहचानिए। कौन से शब्द पर कितना जोर देना है, कौन से शब्द को एकदम नजाकत से बोलना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अपने उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अपनी टोन को सुधारिए। टोन क्या होती है, मान लीजिए कोई आप इमोशनल सेंटेंस बोलने वाले हो, लेकिन उसको आपने बोल दिया एकदम मजाक के स्टाइल में, और अगर आपको कोई जोक सुनाना है तो आप ऐसे सीरियस होकर सुनाओगे जैसे भैया कोई पहाड़ टूट के गिर गया इस बंदे पर। तो जो चीज आप बोल रहे हो उस पर ध्यान दो कि उसके इमोशंस क्या है। उसी तरह से आपको अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन लेकर के आना है। टिप नंबर 3, बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हो। शब्दों का चुनाव कीजिए, अच्छे वाले शब्द यूज कीजिए। कई लोगों को देखा है कि वो एक ही शब्द को बहुत ज्यादा बार बोलते हैं। जैसे कई लोग होते हैं एक्चुअली को बहुत ज्यादा बार बोलते हैं, हर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, हर लाइन में एक्चुअली एक्चुअली बोलते रहते हैं। तो आप ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक ही एक शब्द को इतना ज्यादा बार यूज कर रहे हैं कि सुनने वाले बंदे बोर हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हमारे शब्द जो होते हैं, कहां पर क्या बोलना है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ढलने लगते हैं। लेकिन अगले वाले बंदे के सामने अगर हम बोलेंगे तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, हमें खुद को अजीब नहीं लगेगा, हमारे लिए वो चीज सही है। लेकिन अगला बंदा सुनेगा कि यार ये बंदा ना इसी शब्द को ज्यादा यूज कर रहा है, तो आपको उससे बचना है। टिप नंबर 4, अपना पोस्चर सुधारिए। पोस्चर क्या होता है, आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से आप खड़े होते हो, किस तरह से आप चलते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है,
आपके पोस्चर का आपके बोलने की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। जितना आप अपने आप को टाइट करके बैठोगे उतनी ही आपके शब्दों की क्वालिटी कम हो जाएगी। एकदम रिलैक्स बैठिए। ये ऐसी चीज है जिस पर हर कोई ध्यान नहीं देता है। जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब हम कोई डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से बैठे हो उसका बहुत फर्क पड़ता है कि आपका साउंड कैसा आने वाला है। इसलिए अपना पोस्चर सही रखिए, रिलैक्स बैठिए, तनाव में मत आइए। टिप नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को फिट रखिए, अच्छी नींद लीजिए। मैंने कई बार ये देखा कि जब मैं अच्छी नींद नहीं लेता हूं, तो मेरी जो आवाज की क्वालिटी है ना वो काफी कम हो जाती है। वो जो तनाव होता है, वो जो नींद की कमी होती है, वो मेरी आवाज में दिखने लगती है। इसलिए अच्छी नींद लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए। आपका जो गला है ना इसको हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल रहिए, किसी तरह की टेंशन मत लीजिए। अपने आप को मेंटली और इमोशनली फिट रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप बोल करके सामने वाले को भी अच्छा फील नहीं करवा पाओगे। आपके शब्दों में वो चीज झलकने लगेगी, इसलिए आपको इस चीज से बचना है। मैं जल्दी से 5 टिप्स आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। टिप नंबर 1, डेली आधा घंटा बोल करके पढ़िए और बोलने से पहले अपने गले को खोलना सीखिए। बोलते समय किसी भी शब्द के आखिरी अक्षर पर ज्यादा जोर दीजिए ताकि वो शब्द आप क्लियर तरीके से बोल सको। उसी भाषा को बोल करके प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। टिप नंबर 2, अपनी बोलने की टोन पर और इमोशंस पर ध्यान दीजिए। फील करके बोलिए, रोबोट की तरह मत बोलिए। टिप नंबर 3, बोलने के पहले सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हो। शब्दों का चुनाव अच्छी तरह से करें, एक ही शब्द को बार बार ना बोलें। टिप नंबर 4, अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आप खड़े होते हैं, आपके कंधे कैसे रहते हैं, आपके हाथ कैसे रहते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह का साउंड करते हो। टिप नंबर 5, कीप योरसेल्फ फिट। अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए अपने आप को। अच्छी नींद लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, कंफर्टेबल रखिए और अपने आप को मेंटली और इमोशनली फिट रखिए। अगर आप इन 5 टिप्स को यूज करोगे डेली और डेली का आधा घंटा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो आवाज है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज कैसी लगती है। और मैं आपसे फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी आवाज में कुछ सुधार करना चाहिए तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेके आता रहूंगा। चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।